चलिए, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो। तो टैबलो डेस्कटॉप की हमारी ये टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे टेबल कैलकुलेशंस की, हम बात करेंगे टोटल सब टोटल की एंड कंप्यूट यूजिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आपका डेटा समझ लीजिए, सेल्स का डेटा है, ओके, वेबसाइट का सेल्स। और हम आते हैं सीट वन पे। सीट वन पे आने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे सेल्स यहाँ पे नेम दिया, उसके बाद हमने इस पे क्वांटिटी दी। एक हमारा ऑर्डिनेटर बार चार्ट बन गया। अब इसमें मैं एक जी और करता हूँ, मैं इसमें प्रोडक्ट भी इसके अंदर डाल देता हूं, सॉरी इस तरह। ओके, जी बन गया। यस अब इसके ऊपर मैं एक बार क्वांटिटी में एमआरपी भी यहां रख देता हूं। तो हमने दो जो हमारे लेजेंड्स थे, दो लेजेंड्स को हमने रो में रखा है और दो जो हमारे मेजर्स थे, मतलब कि लेजेंड्स हम लोग से पिवट पे लेजेंड बोलते हैं, जो दो डायमेंशंस थे उसको हमने रो में रखा है, और दो हमारी जो मेजर्स थे जिसपे हमें टोटलिंग करनी है उसको हमने आपको कॉलम में रखा है। ओके, तो सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं ठीक है। टोटल कैलकुलेशन। जैसे कि अब इस पे मान लीजिए मैं इसकी एमआरपी की ही बात करते हैं, या एमआरपी को मैं हटा देता हूँ, मैं टोटल की बात करता हूँ। चलिए, टोटल हमारा रेवेन्यू है ना, इस पे टोटल पे हम आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्विक टेबल कैलकुलेशन, क्विक टेबल कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें एक आपका रनिंग टोटल है, डिफरेंसेस है, परसेंटेज डिफरेंसेस है, परसेंटेज टोटल है, रैंक है, दिख रहा है ना सर आपको। तो ये सारे हमारे ये रनिंग इसमें क्विक एनालिसिस में आता है। तो टोटल में हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ठीक तो परसेंटेज, एक मिनट में इसको सोमी हटा देता हूँ। अब मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ टी पे क्लिक करता हूँ, तो इसके डेटा आ गया। अब इस डेटा आ गया, उसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल, तो परसेंटेज आपको दी जाएगी, जिसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है तो ये हमारे जितने भी टोटल्स थे, ये टोटल्स आपके सामने यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे आपको टोटल सारा दिख रहा है। तो इसमें परसेंटेज में और क्या क्या है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टोटल सेल है उसकी परसेंटेज यहाँ पे आपको शो कर रही है। अगर मैं इस पे एनालिटिक्स में जाऊँ तो एनालिटिक्स में यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा, सो रो यहाँ पे दिख रहा है, रो ग्रांड टोटल, कॉलम ग्रांड टोटल। तो यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में इनके टोटल्स दिख जाएंगे, दिख गया। ठीक है। तो ये टोटल्स जो है आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, अगर अगर मैं एनालिटिक्स में गया टोटल में, अगर मैं यहाँ पे रो ग्रांड टोटल करता हूँ तो रो वाइज दिख जाएंगे, अगर मैं कॉलम ग्रांड टोटल करता हूँ तो यहाँ पे आपके, एक मिनट मैं एक कॉलम हटा देता हूँ। तो यहाँ ठीक है, पीवट की तरह ही है ये ना, हाँ कंट्रीब्यूशन जैसे हाँ कॉलम टोटल परसेंटेज टोटल वैसे तो यहाँ पे एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनालिटिक्स में आप जाते हैं, तो एनालिटिक्स में आप यहाँ पे टोटल पे क्लिक
टोटल्स पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक भी है ऐड ऑल सब टोटल, दिख रहा है आपको? ऐड जी ऑल सब टोटल पे आप क्लिक करते हैं तो इनके हर एक इसके क्या बोलते हैं कैटेगरी जैसे ही खत्म होती है यहाँ पे उसके सब टोटल आपको दिख जाता है, दिख गया? अब यहाँ ठीक है सर। स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे फिट विड्थ कर दिया तो विड्थ वाइज फिट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट कर दी तो हाइट वाइज फिट हो जाएगा। एक होता है एंटायर व्यू, मतलब कि जो भी व्यू है वो स्क्रॉल में ना आए, इकट्ठा एक पे आना चाहिए। व्यू पार्ट को भी समझ लीजिए। तो अब वापस हम आते हैं यहाँ जी टोटल में। तो टोटल कैलकुलेशंस में आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस में आपको यहाँ रनिंग टोटल समझ में आ गया, डिफरेंस डिफरेंट परसेंटेज परसेंटेज टोटल समझ में आ गया आपको। एक बार रनिंग बता देंगे सर, एक दोबारा बता दो रनिंग रनिंग। टोटल क्यूमुलेटिव टोटल होता है। अगर रनिंग टोटल आपने कर दिया तो ये बताएगा यहाँ पे, ये देखिए बताएगा आपका कि भाई डीवीडी का क्या प्राइस, इन में डीवीडी का प्राइस क्या था, उसके बाद इसका जुड़ा था कितना हुआ, फिर इसके बाद जुड़ा था कितना हुआ, इस तरह से जोड़ के जुड़ते जुड़ते लास्ट तक आ गया। ठीक है ठीक है, कॉम्युलेटिव कॉम्युलेटिव होगा। हाँ ठीक है क्यूमुलेटिव हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हाँ इसमें भी आप ये है कि आप सम कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं। अगर मैंने उसको एवरेज कर दिया तो एवरेज आएगा, या काउंट करना है, या मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, डेविएशन निकालना है, परसेंटेज निकालना है, सॉरी परसेंटाइल, टॉप फाइव वगैरह, तो इसका यूज भी आप ठीक है इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्विक रनिंग टोटल में, डिफरेंसेज आएगा, परसेंटेज ऑफ डिफरेंसेज आएगा, परसेंटेज ऑफ टोटल आ गया, रैंक भी कर सकते हो, तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर। तो एक चीज आपने इसमें आपने दो चीज समझा, पहले तो आपने समझा क्विक कैलकुलेशंस क्या होता है, इसमें आ गया विदाउट जी इसमें, नहीं ओके। दूसरा आपने समझा कि एनालिटिक्स में टोटल जी, सब टोटल टोटल ग्रांड होता टोटल, था। अब देखिए दोनों में अंतर है कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना? ठीक है या फिर आप यूजिंग द ऑटोमेटिक सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो भी लगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, या रिमूव ऑल सब टोटल करना चाहते हो, या कॉलम टोटल टू टॉप करना चाहते हो, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे देखिए जो इसका टोटल है सबसे टॉप ठीक है ठीक है ठीक है। टॉप चला गया। तो अब चला गया, तो इसका इस्तेमाल आप अपने टोटल्स में कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर डाउट इसमें? नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट को हटा देता हूँ और हमारे यहाँ पे एक साइट का नेम है वो थोड़ा छोटा है वो डालता हूँ, क्योंकि दो ही है तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है कि इसमें हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल, टोटल इंद्र का बता रहा है कि इंद्र का टोटल आईपीटी इंडिया का इतना है, सुजीत कुमार का इतना है, टोटल इतना है, क्लियर है? और इसके उसके इस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ कंप्यूट में क्या होता है चीज को देखिए, अगर मान लीजिए मैं सब टोटल पे ही जाता हूँ और यहाँ पे कंप्यूट यूजिंग, अब यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूट यूजिंग ऑलरेडी क्या है, टेबल ऑफ डाउन है। अब यहाँ पे टेबल ऑफ अक्रॉस कर दूँ तो ये हमारा बता देगा परसेंटेज, सबका 100% दिखा देगा अक्रॉस, क्योंकि थोड़ा मीनिंगफुल ठीक नहीं है। कंप्यूटिंग में आता अगर डाउन करता हूं तो ये बता देता है डाउन, मतलब कि यहाँ पे अगर कर्सर रखिए तो आपको पता चलता है कि इंदर का ऑल साइट के साइट में ऑल साइट का है और यहाँ 12% है, क्वांटिटी इतनी है, इस पर कर्सर रखते हैं तो सिर्फ आईपीटी इंडिया के साइट है और हाईएस्ट और लोएस्ट के हिसाब से यहाँ पे रहता है, कंप्यूट टू डाउन है। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट टू डाउन की जगह पे टेबल कर दूँ तो टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाउन एंड अक्रॉस दो ही चीज होता है इसमें, बाकी तो वो मैंने भी यूज नहीं की है। बाई साइट कर देता हूँ तो ये बताता है। हाँ अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने एक मिनट, हाँ मुझे यहाँ पे परसेंटेज जो दिख रहा है 12% इज द ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज, बस समझ रहे हो कि ये जो जी 12% आपको दिख रहा है मतलब कि पूरे इसका टोटल है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें देखना साइट वाइज,
इंदर का टोटल कितना था और उसमें आईपीटी इंडिया कितना कंट्रीब्यूशन था और सुजीत कुमार का कितना कंट्रीब्यूशन था। दो वेबसाइट है मेरे, सुजीत कुमार डॉट को डॉट इन एंड आईपीटी इंडिया। समझ में आया कि मैं इसकी सब टोटल से इन दोनों को डिवाइड करना चाहता हूं, ना कि इन दोनों की जो डिवाइड डिवाइड हो रहा है उसके नंबर ऑफ टोटल से। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे समझ हम गया। कंप्यूट में जाएंगे और यहां पे साइड कर देंगे। दिख गया? तो इट्स 100%, इसमें से 59% हमारा कंट्रीब्यूशन है आईपीटी इंडिया का और 40% ठीक का कंट्रीब्यूशन जो है हमारा वो है सुजीत कुमार का। सुजीत। ऐसे ही हर नाम का अलग अलग दिख गया है, बट मुझे साइड वाइज नहीं चाहिए, मुझे नेम वाइज चाहिए। तो यहाँ कंप्यूट यूजिंग में मैं यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन वी हैव गॉट द नेम वाइज कि इंदर इंदर का यहाँ अब क्या है कि सब टोटल जो है वो यहाँ पे आईपीटी इनका टोटल है, नेम में टोटल नहीं है। तो ये आपका 12% 12% 12% दिख रहा है आपका, मतलब ये एक जी जैसा हो गया। मतलब समझे कि इनके नेम के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि ओवरऑल में इंदर का 12% है, समझे? ओके। 11% है। इन सबों को अगर सारे परसेंटेज को जोड़ते हैं तो आपको उसका दिखेगा 100%। तो ये आपका साइड वाइज नेम हो गया कंप्यूटर में। ठीक है, ऐसे सेल करते हैं तो ठीक सेल वाइज है, तो सेल में तो 100 है, बाकी कोई घटा बढ़ा नहीं है, उस कारण से आपको यहाँ मिल गया। पेन वाइज भी आपका ये होगा। अब इसको बेटर समझने के लिए हमें डेटा के हिसाब से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ ठीक नई डेटा बनाते हैं हमने यहाँ पे, मान लीजिए कि इस बार मैं नेम प्रोडक्ट को लेता हूँ कि प्रोडक्ट को हमने यहाँ लिया और हमने क्या किया, साइट को यहाँ लिया। ओके, और इसमें हमने ठीक क्वांटिटी को यहाँ रखा। अब इसमें सोमी में आता हूँ और मैं इसमें जो हमारा डेटा है इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ ताकि डेटा वाइज दिखे डेटा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आईपीटी इंडिया और यहाँ भी चीज दिख रहा है। अब इसमें हम चीज करते हैं, अब यहाँ पे इस पे आते हैं, नहीं इसमें आएगा ना सभी प्रोडक्ट, यहाँ क्वांटिटी यहाँ आ गया ना, सॉरी यहाँ आ जाता है ना इसमें। तो यहाँ पे हम क्विक ट्रेवलेंसेस में आते हैं। अब इसमें हम जो है यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल, तो परसेंटेज में आ गया ना सर। ठीक है। तो या फिर इसको अगर मैं हटाते हैं, अगर मैं इसमें इसमें आता हूँ एनालिटिक्स में आता हूँ, एनालिटिक्स में मैं टोटल्स पे आता हूँ और बोलता हूँ शो रो ग्रांड टोटल, तो रो ग्रांड टोटल में एक का टोटल शो हुआ। अगर मैं ये ठीक है, कॉलम। शो करता हूँ टोटल्स में कॉलम ब्रांड, तो फिर नीचे का कॉलम ब्रांड टोटल्स आता। शो करता है। ठीक है सर। अब मैं इसकी इसमें कंप्यूट पे आता हूँ, यहाँ पे कंप्यूट टेबल कैलकुलेशंस, इसमें कंप्यूट नहीं है और अभी कंप्यूट तो आना चाहिए। ओके, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एनालिसिस में यहाँ क्विक एनालिसिस में आता हूँ। पहले क्विक एनालिसिस में यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ टोटल्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई इसमें के कंट्रीब्यूशन। परसेंट कंट्रीब्यूशंस कि भाई आईपीटी इंडिया का आईपीटी इंडिया साइड से किस प्रोडक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ठीक लग रहा है आपको है, हाँ कि किस इंडिया जी, क्या कैलकुलेशन और टोटल कंट्रीब्यूशंस प्रोडक्ट वाइज दिख रहा है दोनों साइड्स का। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं राइट। कि किस प्रोडक्ट का किस साइट में कितना, किस एक साइट के अंदर में किस किस प्रोडक्ट का क्या कंट्रीब्यूशंस है। हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई टोटल सेल में किस साइड का क्या, अभी हमने आपने क्या देखा, हमने कंट्रीब्यूशन देखा प्रोडक्ट वाइज कि किस प्रोडक्ट का किस साइट में क्या रोल है, बट मुझे देखना है किस साइट का ओवरऑल सेल में क्या रोल है।
वहां पे ओके देखिए कंप्यूटरिंग आ गया, कंप्यूटरिंग तभी आएगा जब आप परसेंटेज रखेंगे। तो परसेंटेज करेंगे यहां पे देखिए टेबल अक्रॉस दिख रहा है, अक्रॉस जी। इसको मैं टेबल डाउन कर देता हूं, टेबल डाउन हो गया। तो अब देखिए अब मुझे पता चल रहा है कि 59% का कंट्रीब्यूशन है, ये आपका 40% ठीक कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आईपीटी इंडिया, डबल करने में दिख गया इंडिया और आईपीटी सहित इंडिया का ठीक कंट्रीब्यूशन। ठीक है आईपीटी इंडिया के अंदर किसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो दिख गया आपको ओवरऑल में, कि 59% अकेले सीडी में है, समझ गए ना आपको। ठीक है तो इस तरह से आप साइट वाइज कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, क्लियर है क्लियर है। विदाउट इसमें। नहीं तो ये हमारा था आज की मैंने आज मैंने बताया था, होता था कंप्यूट यूजिंग का बारे में और टेबल कैलकुलेशंस के बारे में। जी जी होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ये अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ बेटर तरीके समझने के लिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको शॉर्ट भी कर लेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करिए इसको स्विच कर देंगे आप, जी ठीक है ना। तो इस तरह से इसको स्विच कर ठीक सकते हैं। अब हाईलाइट करना है आपको, ऑल फील्ड करना है तो यहाँ पे ऑल फील्ड आपका हाईलाइट होती है, हाईलाइट इस पे काम नहीं आता आपको प्रोडक्ट, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये लाइनिंग दिख रहा है ना आपका, उस तरह से हाईलाइट होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे हमारा। और ये व्यू ठीक समझ में है आ गया, व्यू का क्या यूज है, जी हाँ ठीक है। और यहाँ ठीक है का सर यूज होता है ये बताता है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन ये जो साइड में है इसका यूज होता है हमारा फुल स्क्रीन के लिए। लाइक पावर पॉइंट ठीक वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने क्लिक किया तो आपका फुल स्क्रीन हो गया, और वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो है स्क्रीन, ये स्क्रीन हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया सर। जी हाँ और बाकी अभी जो है एक बार कोर्स को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कोर्स में क्या क्या कर लिया, क्या क्या बचा हुआ, ठीक पता रहेगा ना कि कोर्स कितना परसेंट हो चुका है, ठीक है सर छूट तो नहीं रही है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमने बेसिक रिपोर्ट्स में हम सब चीज़ कर ली है आपका, ये आपका डिग्री डेटा पार्ट भी हो गया, क्रॉस टैब टेबल चार्ट भी हो गया, चार्ट बनाई दिया ना आपको सर मैंने, जी चार्ट वगैरह तो करा दिखा दिया है ना आपको, हाँ 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 ये हाँ ये तो करा क्रॉस दिया टैब क्या होता है, टेबलर चार्ट क्या होता है, टोटल एंड सब टोटल आज करा ही दिया मैंने आपको, बार जी स्टैक चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ चार्ट तो सारा है ही आपको, ट्री मैप चार्ट भी है, टेबलर जी चार्ट, ये आपका उसके एक्सेस वगैरह को शॉर्ट वर्क करना मैंने बता ही दिया था, एक्सेस को एडिट करना, सॉर्टिंग वगैरह भी बता दिया आपको मैंने, ट्रेन लाइन, तो इसे फिल्टर वगैरह हो चुके, सेट मैंने करा ही दिया है, ग्रुपिंग मैंने करा ही दिया है क्या, जी और मैप पे भी हम बात कर ही चुके हैं, मैप भी समझा ही चुका हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन ठीक है भी हमने आपको, फंक्शन वगैरह समझा ही चुका हूँ। जी हाँ ठीक है, और आज जो हमने आपके सामने यहाँ पर परसेंटेज अब टोटल रनिंग क्यूमुलेटिव वगैरह बिना कंट्रीब्यूशन वगैरह आपको समझा दिया, हम पैरामीटर्स भी जो है सीख ही चुके हैं, बता ही चुका हूँ पैरामीटर्स। जी हाँ जी हाँ अब जो बात आती है वो आती है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की, थोड़ी सी डैशबोर्ड्स में हम कुछ चीज़ें करेंगे, और फिर डेटा हैंडलिंग भी हम आपको सिखाई चुके हैं, इसमें मल्टीपल ज्वाइंस वगैरह सिखाई चुका है, लास्ट क्लास में हमें जी भी सिखाया था, ठीक और ये आपका डिफरेंट ज्वाइंट्स जो भी होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें आपकी ठीक लग गई है है, सॉल्वर वगैरह, ये आपका डैशबोर्ड के कुछ पार्ट वगैरह, तो ये हम दो तीन क्लासों में खत्म करके फिर हम वापस टैबलू को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर मिलते हैं अगली क्लास में, होते हैं प्रैक्टिस। ओके सर ठीक है सर बाय बाय।